শ্রী লক্ষ্মণ বেরা জুয়েলার্স, খাঁটি সোনা এবং সঠিক দাম। কার্তিক পূর্ব বাজার পোস্ট অফিসের সামনে। দূরভাষ 03-210-255-046। এলপি জুয়েলার্স, শুভ সময় সব সময়। গঙ্গাকে দূষণমুক্ত গড়ে তোলার বার্তা দিতে পদযাত্রা করলেন মহারাষ্ট্রের যুবক অতুল কুমার চৌকশে। 2021 সালের 6 নভেম্বর গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুক থেকে তিনি পদযাত্রা শুরু করেন। প্রায় 4 মাস পর 2022 সালের 14 মার্চ 4 রাজ্য পেরিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছেছেন। প্রায় 4000 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে গঙ্গাসাগরে এসে পৌঁছতে নানান অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি। পেশায় কম্পিউটারের শিক্ষক অতুল কুমার এ বিষয়ে বলেন, গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে না পারলে ভারতের ঐতিহ্য রক্ষিত হবে না, ক্রমশ ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে দেশ। আর এই যাত্রাপথে গঙ্গাকে দূষণমুক্ত রাখতে মানুষের কি কি করা প্রয়োজন, কেনই বা দূষণমুক্ত গঙ্গা দেশের জন্য আশীর্বাদ, সে বিষয়ে তিনি সাধারণ মানুষকে সচেতন করেন। হামারে দো দেশে जैसे कि हम सभी को मालूम है, गंगा जी हमारी राष्ट्रीय नदी है और साथ में हमारी भारत की आत्मा है। उनको गाँव माँ का दर्जा दिया गया है, पर दिन प्रतिदिन भी हर भारत की बहुत सारी नदियाँ प्रदूषित हो रही है, विलुप्त हो रही है। तो मैं एक जस्ट पहल कर रहा हूँ जागरूकता की, गांव-गांव जाता हूँ, गंगा किनारे कस्बों में जाता हूँ, चौपाल लगाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ कि भैया आप लोग गंगा किनारे रहते हो, गंगा जी को माँ भी मानते हो, तो कम से कम इनको प्रदूषण मुक्त रखें, उनकी सेवा करें। और मेरा दूसरा उद्देश्य कि आज बहुत सारे व्यक्ति, लगभग सारी दुनिया महत्वाकांक्षाओं में जीती है, और जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती है तो डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर डिप्रेशन से बचने के लिए नशा करते हैं या ज़्यादा हताश हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे सभी लोगों को मैं यही मैसेज दे रहा हूँ गाँव-गाँव जाके कि आप लोग गंगा किनारे रहते हो, एक तो गंगा माँ की सेवा करें और अपनी लाइफ में अपने इम्पोर्टेंस को समझिए। आप लाइफ में कितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, अपनी कद्र करें। आत्महत्या या नशे कोई उपाय नहीं होती है, और अपना जीवन को माँ गंगा और प्रकृति की सेवा में लगाएं। তবে শুধু গঙ্গাকে দূষণমুক্ত করতে নয়, হতাশামুক্ত যুব সমাজ গড়তেও তিনি পথচলতি মানুষকে সচেতন করেন। জানা গিয়েছে আল্ট্রা ম্যারাথন গেমসের জাতীয় স্তরে 35 বার পদক জয়ী অতুল কুমার গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে গঙ্গার অববাহিকা ধরে উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও ঝাড়খণ্ড পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে পৌঁছেছেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে অতুলের সঙ্গী ছিল একটি ট্রলি। ওই ট্রলিতে প্রায় 15 দিনের শুকনো খাবার, রান্না করার জন্য গ্যাস ওভেন ও ঔষধ ছিল। এছাড়াও ট্রলিতে সোলার প্যানেল রয়েছে। हम गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख से निकले हैं 6 नवंबर से, और गंगा जी के साथ साथ पूरे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूरे वेस्ट बंगाल को पार करके लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास हम यहाँ पे पहुँचे हैं गंगा सागर के करीब। मैं पेशे से कंप्यूटर टीचर हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ। मैंने मेरे गेम को अल्ट्रा मैराथन बोलते हैं। अल्ट्रा मैराथन एक ऐसी दौड़ होती है जिसमें 100 किलोमीटर के ऊपर दौड़ना पड़ता है। उसमें मैंने 35 अंतर्राष्ट्रीय मेडल्स लाए हैं, 71 राष्ट्रीय मेडल्स लाए हैं। मैंने अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान में 55 डिग्री के तापमान में दौड़ा है। पिछले वर्ष मैंने पूरे थार रेगिस्तान को अपने कदमों से पार किया है, जिसको पार करने वाला जहाँ तक अभी तक पूरी पृथ्वी में एकमात्र इंसान हूँ। ऐसे ही हिमालय की वादियों में नूबरा वैली से लेह लद्दाख दौड़ा है 20,000 फुट में। অতুলের দাবি, শুধু সরকার নয়, সাধারণ মানুষকেও এই দুটি বিষয়ে সচেতন হতে হবে, আর সাধারণ মানুষকে সচেতন করতেই তার এই পদক্ষেপ। এই বিষয়ে তিনি আরও জানান, দীপাবলির সময় এই পদযাত্রা তিনি সূচনা করেছিলেন, হোলির দিন পর্যন্ত তিনি গঙ্গাসাগরে থেকে এই পদযাত্রার সমাপ্তি ঘোষণা করবেন। देखिए, अभी मेरी जो यात्रा है गंगा जी के साथ साथ उनके बाजू से चलते चलते आ रही है, वहाँ पे मेरी समापन होगी। और मैं बताना चाहूँगा, मेरी दीपावली मैंने हिमालय में मनाया था, अब होली में गंगा सागर में, हिंद महासागर के बिल्कुल साइड में बैठ के मनाऊँगा। तो मैं गंगा, अभी तो 2 दिन में टेंट लगा के रहूँगा गंगा किनारे, वहाँ के घाटों का जो बीच कहते हैं उनका मुआयना करूँगा, कुछ अपनी तरफ से भी श्रमदान करूंगा, वहाँ की घाट की सफाई करूंगा, और कोई लोग मेरे साथ सफाई में जुड़ना चाहे तो उनको भी शामिल करूंगा जी। কাকদ্বীপ থেকে বিশ্ব সমাচার নিউজ টিম। আনাবিয়া নার্সিং হোম, আলিমুদ্দিন লস্কর আলিম পরিচালিত। আমাদের অঙ্গীকার, সঠিক চিকিৎসা, উন্নত পরিষেবা, কম খরচ। যোগাযোগের ঠিকানা পারুলিয়া মোড়, মসজিদের বিপরীতে।
ডায়মন্ড হারবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা। মোবাইল নম্বর 9732532311, 7908294921।